हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 12 यानी लास्ट चैप्टर चाणक्य और चंद्रगुप्त, इस चैप्टर को हमने बेटा रीड किया, इसको एक्सप्लेन किया यानी इस चैप्टर को हमने पढ़ा और इस चैप्टर को समझा भी कि इस चैप्टर में है क्या। आज के इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। आओ करें वन, लेट्स ट्राई वन। पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। ओके, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। तो पहला आपका क्या है? महाराज मैं बहुत निर्धन हूँ। महाराज मैं बहुत निर्धन हूँ यानी महाराज वो अपनी बात बता रहा है राजा से कि मैं बहुत निर्धन हूँ यानी मैं बहुत गरीब हूँ। आपका सेकंड है, चंद्रगुप्त की शिक्षा का प्रबंध कीजिए यानी चंद्रगुप्त की शिक्षा का प्रबंध कीजिए। थर्ड है, मेरे पति राजा के सेनापति थे। मेरे पति राजा के सेनापति थे। फोर्थ है, यह मौर्य सेनापति का पुत्र है। यह मौर्य सेनापति का पुत्र है। आपका फिफ्थ है, मैं अवश्य इस सिंह को बाहर निकाल दूंगा। फिफ्थ क्या है? मैं अवश्य इस सिंह को बाहर निकाल दूंगा। एंड आपका आओ करे टू, लेट्स ट्राई टू क्या है? किसने कहा और किससे कहा यानी जो सेंटेंस हमारे सामने दिए हैं ये बातें किसने कही और किससे कही। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? कोषाध्यज। ओके, कोषाध्यज इसे मोहरों की एक थैली दे दो। कोषाध्यज इसे मोहरों की एक थैली दे दो। चंद्रगुप्त ने कहा एक बालक से कहा। चंद्रगुप्त ने कहा एक बालक से कहा। सेकंड है, मेरा आशीर्वाद है आप अवश्य राजा बनेंगे। या किसने कहा? चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कहा। किसने कहा? चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कहा। आपका थर्ड है, नहीं नहीं वह तो बहुत होनहार बालक है। नहीं नहीं वह तो बहुत होनहार बालक है। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त की माता से कहा। ओके, एंड फोर्थ है, कौन है यह बहुत निडर लगता है। कौन है यह बहुत निडर लगता है। राजा नंद ने कहा मंत्रियों से कहा। राजा नंद ने कहा मंत्रियों से कहा। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 76 ओपन करिएगा। अब बारी आती है हमारी आओ करे थ्री, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? चाणक्य कौन थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य कौन थे। तो आंसर क्या आएगा? चाणक्य एक ब्राह्मण थे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, चाणक्य चंद्रगुप्त के किस गुण से प्रभावित हुए। ओके स्टूडेंट्स, चाणक्य चंद्रगुप्त के किस गुण से प्रभावित हुए। तो आंसर क्या आएगा? चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त की न्यायप्रियता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एंड थर्ड क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की माँ ने उसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं भेजा था। तो थर्ड क्वेश्चन, चंद्रगुप्त गुरुकुल नहीं जा पाया क्योंकि राजा ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। जो चंद्रगुप्त था वह गुरुकुल नहीं जा पाया क्योंकि राजा ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा होकर चंद्रगुप्त कहाँ का राजा बना। उसके प्रधानमंत्री कौन थे। बड़ा होकर चंद्रगुप्त कहाँ का राजा बना। उसके प्रधानमंत्री कौन थे। ओके, तो बड़ा होकर चंद्रगुप्त मगध का राजा बना और चाणक्य उसके प्रधानमंत्री हुए यानी बड़ा होकर चंद्रगुप्त मगध का राजा बना और चाणक्य उसके प्रधानमंत्री हुए। ओके स्टूडेंट्स, बेटा लेट्स ट्राई थ्री यानी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ओरली समझाया बेटा, बाकी रिटर्न वर्क में मैं इसके पिक आपकी को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लीट कर लेना, अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। अब हम देखते हैं आओ करे फोर्थ यानी लेट्स ट्राई फोर्थ, दिए गए शब्दों का सही विलोम चुनकर लिखिए। सुगंध का सही विलोम क्या होगा? दुर्गंध की महक क्या होगा? दुर्गंध। ओके, सुगंध का विलोम होगा दुर्गंध। अंधेरा, अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला। क्या होगा? उजाला। वैसे ही प्रसन्न का विलोम क्या होगा?
आ प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम आ प्रसन्न। रात्रि का विलोम क्या होगा? दिन। क्या होगा रात्रि का विलोम? दिन। और आपका लास्ट है पूर्णमासी का विलोम क्या होगा? पूनम होगा कि अमावस? तो अमावस होगा। ओके, सुगंध का विलोम शब्द दुर्गंध, अंधेरा का विलोम शब्द उजाला, प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न, रात्रि का विलोम शब्द आएगा दिन, एंड लास्ट वाला पूर्णमासी का विलोम आएगा अमावस। अब बारी आती है आओ करें फिफ्थ की। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें छाट कर सही जगह पर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये जो वर्ग दिया है यहाँ पर आपको पर्यायवाची मिल जाएंगे इन शब्दों के, आपको इसमें से पर्यायवाची सर्च करना है जो आपका होमवर्क है और आपको सॉल्व करना है। पहला क्या? चांद। चांद का पर्यायवाची क्या होगा? देखो यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है ना, ये देखो चंद्रमा। अब दूसरा पर्यायवाची चांद का क्या होगा? वो आपको इस वर्ग पहेली से छाटना है। तो आपको एक मैं बता दे रही हूँ, ये मिल गया कहाँ? शशि। ये देखो शशि, ये मिला ना। वैसे ही माँ, माँ दिया है ना, तो माँ का पर्यायवाची क्या होगा? आपको इस वर्ग पहेली में माँ का पर्यायवाची छाटना है बेटा, ठीक है, और दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। पहला है चांद, देन जल, देन फूल, उसके बाद घर, माँ, तारा, मित्र। ये आपको सेल्फ करना है, इस वर्ग पहेली से इनको ढूंढना है। अब है आओ करें सिक्स, यानी लेट्स ट्राई सिक्स। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के विभिन्न अर्थों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनेकार्थी शब्द यानी जिसके एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते हो। समानार्थी शब्द कौन सा कहलाता है? जो एक ही शब्द के तीन चार अर्थ निकलते हो लेकिन सबका जो अर्थ है वह सेम हो। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा को हम चांद भी बोलते हैं, चंदा भी बोलते हैं और शशि भी बोलते हैं, तो सबका अर्थ क्या निकला? चंद्रमा। एक समान अर्थ रखने वाले समानार्थी शब्द कहलाते हैं और एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकले वह कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। यही आवकर सिक्स एनी लेट्स सिक्स आपका होमवर्क है जो आपको सेल्फ करना है स्टूडेंट्स। अनेकार्थी शब्द कनक, एक कनक की मीनिंग होती है सोना और दूसरे कनक की मीनिंग यहाँ पर क्या हो गई? गेहूँ को भी हम कनक बोलते हैं, यानी सोना को भी कनक बोलते हैं और गेहूँ को भी बोलते हैं। तो आपको इस अनेकार्थी शब्द यानी कनक का एक सोना मीनिंग हुई और एक गेहूँ मीनिंग हुई, इसका दोनों का वाक्यों में प्रयोग करना है। सोना का भी आपको सेंटेंस बनाना है यानी वाक्य प्रयोग करना है और गेहूँ का भी आपको वाक्य प्रयोग करना है। पेज नंबर 78 ओपन करेंगे। पेज नंबर 78 में हमारा दूसरा वर्ण है कर। एक कर मीन्स होता है टैक्स। ओके, कर मीन्स क्या होता है? टैक्स होता है, जो सरकार गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, किराए देते हैं। और एक कर की मीनिंग हाथ भी होती है, लेकिन इसमें शायद दूसरी मीनिंग भी लिखी है, हाथी की सूंड और किरण। तो आपको इन तीनों से सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट्स। ओके, क्या करना है आपको? इनका सेंटेंस बनाना है। थर्ड है वर्ण। एक वर्ण का रंग और एक वर्ण का अक्षर, यानी इन दोनों का भी आपको सेंटेंस बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी आती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर आओ करे वन, आओ करे टू करवाया और आओ करे थ्री जो क्वेश्चन आंसर था मैंने वो आपको ओरली समझाया बच्चों। बाकी मैं इसकी पिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। एंड हमारा आओ करे फोर्थ, आओ करे फिफ्थ एंड आओ करे सिक्स, ये भी हो गया है बेटा। सो आप अपनी बुक में इसे कंप्लीट कर लेना, है ना, वर्क को कंटिन्यू करते जाओ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा फोर्थ लेवल टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में, तो हमको उसकी भी प्रिपरेशन करना है बेटा। सिलेबस आपको ऑल सब्जेक्ट्स का दे दिया गया, टाइम टेबल भी आपको सेंड कर दिया गया है। सो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।